आर्म फोर्सेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे देश के मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। इसके थ्री वेज हैं। पहला रास्ता AFMC है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, इसको आप 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। AFMC में एडमिशन नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट के मार्क्स के बेसिस पर होते हैं। जो भी नीट में क्वालिफाई करेगा उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट के जो भी नीट में मार्क्स होंगे वो पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के साथ ऐड करेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे एक्चुअल मार्क्स निकालने के लिए। आउट ऑफ 200 में से जो भी मार्क्स आएंगे वो फाइनल मार्क्स माने जाएंगे 50 मार्क्स इंटरव्यू के साथ। अब बात करते हैं सेकंड वे की। आप अपनी MBBS किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें एज लिमिट है 45 ईयर्स। एलिजिबल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर आर्म्ड मेडिकल सर्विस। पहली ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सर्विस है इन एंटायर कंट्री। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट केयर हॉस्पिटल्स हैं और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये मेडिकल सपोर्ट देता है आर्म्ड फोर्सेस को ड्यूरिंग वॉर। मास लेवल पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है सारे डिफेंस पर्सनल्स को, एक्स सर्विसमैन्स को और उनके परिवार के लोगों को इन द टाइम ऑफ पीस। आर्मी मेडिकल कोर मेडिकल एड प्रोवाइड करती है नेचुरल डिजास्टर के टाइम नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ लेवल पर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं थर्ड वे की, जो है RVC रिमाउंट वेटरनी को। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, इसकी एज लिमिट है 21 से 30 साल एज लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन है BVSC एंड एज डिग्री इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फॉरेन डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। इसकी एप्लीकेशन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आ जाती है, प्रिंट करके फिल करके आपको उनको सेंड करना है। इसका एप्लीकेशन आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपकी ट्रेनिंग RVC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट में होगी। मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस के बाद ही सर्विस एक्सटेंड की जाएगी अगर सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है तो। बाकी सिलेक्शन की प्रोसेस सेम है, एकेडमिक स्कोर पर फिर इंटरव्यू फिर मेडिकल उसके बाद मेरिट लिस्ट और उसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। और इसमें आपको परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है अगर आपकी सर्विस अच्छी हुई है। ये आर्मी में सर्विस देने वाले सभी जानवरों के लिए होती है, उनका इलाज और देखरेख के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।